इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी YouTube शॉर्ट वीडियो को अपलोड करने का बिल्कुल सही तरीका। वो सही तरीका क्या है YouTube शॉर्ट वीडियो को अपलोड करने का, जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ सीख लीजिए YouTube शॉर्ट वीडियो को अपलोड कैसे करते हैं। सो सबसे पहले आपको अपने YouTube एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। यहाँ से मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पर आपको प्लस के निशान पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर क्रिएट ए शॉर्ट एंड अपलोड ए वीडियो दो ऑप्शन है। आप यहाँ पर क्रिएट ए शॉर्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से क्योंकि शॉर्ट की वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो आप शॉर्ट पर ही क्लिक करें। और यहाँ से हम टाइम बढ़ा लेंगे 60 सेकंड का कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर हम गैलरी में से एक वीडियो सिलेक्ट कर लेंगे जिस वीडियो को हम अपलोड करना चाहते हैं। यहाँ से हमने ये वाली वीडियो सिलेक्ट कर ली है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम डन कर देंगे। डन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर इसे आप अनलिस्टेड रहने दें और अपलोड कर दें। अनलिस्टेड करके अपलोड करने के बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। जब ये वीडियो अपलोड हो जाए आप यहाँ पर YT स्टूडियो को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कंटेंट पर जाएंगे और शॉर्ट्स में, और यहाँ पर हम ये वाला शॉर्ट्स सिलेक्ट कर लेते हैं जो सा अभी हमने अपलोड किया है। यहाँ पर पेंसिल के निशान पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है मेन चीज़, यानी टाइटल। इस वीडियो का टाइटल लिखना है। सबसे पहले ये वीडियो किस चीज़ की है इसके बारे में आपको वो एक कीवर्ड्स लिख देना है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कॉपीराइट क्लाइम कैसे हटाएं। मेरी ये वीडियो है, मेरा ये टॉपिक है, मैं यहाँ पर ये लिख देती हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है हैशटैग शॉर्ट्स। पहले आप हैश लगाएंगे और यहाँ पर शॉर्ट्स लिख देंगे, हैशटैग शॉर्ट्स, और यहाँ पर आप लिखेंगे यूट्यूब शॉर्ट्स। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको टाइटल में हैज और शॉर्ट्स ज़रूर लिखना है। इसी तरीके से आपको वीडियो अपलोड करनी है, यानी टाइटल में लिखना है शॉर्ट्स। और यहाँ पर मैंने लिख दिया है यूट्यूब शॉर्ट्स एंड हैशटैग शॉर्ट्स। और इसी तरीके से आपको भी ये हैशटैग लगाने हैं अपने टाइटल में। इस तरीके से आप यहां पर लिख लेंगे। यहां पर मैंने ये लिख दिया है, आप भी इसी तरीके से लिख सकते हैं। अपनी पहले वीडियो का एक जो जिसके बारे में वीडियो है आपको वहां पर एक लाइन लिखनी है। उसके बाद आप शॉर्ट्स एंड यूट्यूब शॉर्ट्स एंड यहां पर आप इस तरीके से इसे लिख देंगे। लिखने के बाद आपको ये कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसे हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर हम पूरा लिख देते हैं। पहले आप अच्छे से देख लीजिए, आपको भी इसी तरीके से टाइटल में ये हैशटैग लगाने हैं। हैश लिखना, फिर आपको इस तरीके से कर देना है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से हम इसे कॉपी करेंगे। आप इस तरीके से इसे कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद हम यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर हमने इसे पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे हैशटैग, यानी हैशटैग बनाएंगे, और यूट्यूब शॉर्ट्स, वायरल शॉर्ट्स, ट्रेंडिंग शॉर्ट्स। एंड यहाँ पर आपको भी इसी तरीके से ये कीवर्ड्स लगाने हैं, यानी हैशटैग लगाने हैं। आपको जब भी आप अपने शॉर्ट्स वीडियो को अपलोड करें इस तरीके से आपको डिस्क्रिप्शन में ये टाइप कर देना है, यानी ये वाले हैशटैग लगाने हैं। इसी तरीके से आपको हैशटैग शॉर्ट्स लगा लेने के बाद आपका टॉपिक, यानी जिस टॉपिक से आपकी रिलेटेड वीडियोज़ है, आप वहाँ पर ये कीवर्ड्स भी डालेंगे। यहाँ पर मैंने ये हैशटैग लगा दिए हैं। लगाने के बाद यहाँ पर मैं कीवर्ड्स डाल दूँगी। यहाँ पर मैंने कॉपी किए हैं, मैं यहाँ से पेस्ट कर देती हूँ। इस तरीके से यहाँ पर मैंने ये पेस्ट कर दिए, यानी कॉपीराइट क्लाइम कैसे हटाते हैं इसके बारे में वेरी वीडियो है। तो मैं यहाँ पर ये इसके बारे में यहाँ पर मैंने लिख दिया है। आप भी इसी तरीके से आपकी वीडियो जिस भी टॉपिक से रिलेटेड है यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर हम टेक्स्ट में जाएंगे और सबसे पहले हम लिखेंगे कॉपीराइट क्लाइम कैसे हटाएं। और इसके बाद हम जहाँ टाइटल में जो लिखा है हमें सेम टू सेम यहाँ पर लिख देना है, शॉर्ट्स और यूट्यूब शॉर्ट्स एंड वायरल शॉर्ट्स एंड ट्रेंडिंग शॉर्ट्स। और यहाँ पर जिस भी टॉपिक से रिलेटेड है आपको वे वाले कीवर्ड्स भी यहाँ पर डालने हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कॉपीराइट क्लाइम कैसे हटाएं, कॉपीराइट क्लाइम कैसे रिमूव करें। यहाँ पर मैं ये टैग्स लगा देती हूँ। आपको भी इसी तरीके से टैग्स लगा देने हैं।
और अपने चैनल का नाम भी यहाँ पर टैग्स में आपको डालना है। इसी तरीके से आप सभी शॉर्ट वीडियोस अपलोड करेंगे, आप 60-70 वीडियोस अपलोड कर दीजिए अपने चैनल पर और फिर देखिए आपका एक ना एक वीडियोस तो ज़रूर वायरल हो जाएगा। इसी तरीके से आपको सभी शॉर्ट वीडियोस अपलोड करने हैं, आपको ये नहीं देखना कि व्यूज़ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आपको सिर्फ वीडियोस अपलोड करते जाना है। इसी तरीके से आपको शॉर्ट वीडियोस अपलोड करते जाना है और यहाँ पर हम जाएंगे यानी किस वीडियो से बच्चों से रिलेटेड यहाँ पर हम नो कर देंगे और इसके बाद हम जाएंगे विजिबिलिटी पर। यहाँ से हम टाइम सिलेक्ट कर लेंगे, जिस भी टाइम आप यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हैं। एएम और पीएम को समझ लें, एएम कहते हैं सुबह के टाइम को और पीएम कहते हैं दोपहर के बाद के टाइम को। सो यहाँ से हमने टाइम सिलेक्ट कर लिया है, इसके बाद हम कर देंगे यहाँ से सेव। इस तरीके से आपको यूट्यूब शॉर्ट वीडियो अपलोड करनी है डेली और आप 60-70 वीडियोज़ अपलोड कर दीजिए अपने यूट्यूब चैनल पर और आप देखेंगे आपके शॉर्ट वीडियोस पर मिलियंस व्यूज़ आ जाएंगे। आपको व्यूज़ की चिंता नहीं करनी है, आपकी शॉर्ट वीडियो एक ना एक दिन तो वायरल हो ही जाएगी।